हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्यास किचन में। आज हम अनियन रिंग्स बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची अनियन रिंग्स बनके रेडी होंगी और ये एक स्नैक रेसिपी है, आपसे शाम के टाइम में छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ, बच्चों को बड़ी पसंद आती है अनियन रिंग्स। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने अनियन ले ली है। अनियन आप कोशिश करें बड़ा साइज जितना आपको मिले अनियन का आप वो लें, उससे रिंग्स जो हैं वो अच्छी बड़ी रिंग्स बनती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी मैंने अनियंस को कट कर लिया है और ये रिंग्स हम निकाल लेंगे। तो मैं सारी अनियन की पहले रिंग निकाल लेती हूँ। बहुत ही आसानी से रिंग्स निकल जाती हैं अनियन की। सारी रिंग्स निकल के रेडी हो गई हैं। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है आधा कप और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो आप चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ थोड़ी सी। इन सबको मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के एक हम बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सा पतला ही रखना है इसमें। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मैदा में लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पतला बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था तो एकदम इनका पाउडर सा बन गया है। एक अनियन रिंग लेंगे और उसको बैटर में इस तरीके से हम डिप करेंगे। और इस रिंग को अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स में। ये प्रोसेस हमें 2 बार करना है। इसमें अभी हम कॉर्नफ्लेक्स लगा देंगे अच्छे से। अनियन को फिर से बैटर में एक बार डिप करूंगी और फिर से मैं इसको एक बार कॉर्नफ्लेक्स में रैप करूंगी। तो ये देखिए, अभी हमारी ये वाली रिंग जो है वो रेडी हो गई है। इसी तरीके से बाकी की भी सारी रिंग्स बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को हॉट करके रखा हुआ है। मीडियम टू हाई फ्लेम में ऑयल हॉट है और इसमें अनियन रिंग्स हमने रेडी करके रखी हैं, उनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये सिकने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगाती हैं, बहुत जल्दी सिक के रेडी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कितनी अच्छी क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनी है। तो इनको हम पलट पलट के हर तरफ से एक जैसा सेक लेंगे। ये रेडी हो चुकी हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी की भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म अनियन रिंग्स हमारी बनके रेडी हैं सर्व करने के लिए। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। अगर सॉस चटनी नहीं तो वैसे भी आप इसे खाएं, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बड़ी पसंद आती है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।